या सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल अगेन। आज जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये है MIUI 13.0.4 ग्लोबल वर्जन, क्योंकि अभी इंडियन वर्जन आया नहीं है। तो आप ये जैसे देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे MIUI वर्जन ये जो लिखा हुआ है MIUI वर्जन ग्लोबल स्टेबल है ये वर्जन। और यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी पैच मिल जाता है वो है अप्रैल का, और ये अप्रैल में ही रिलीज़ हुआ था। मैंने ये मई में इंस्टॉल किया है, क्योंकि इसका अब ये आप इसको रिकवरी से भी इंस्टॉल कर सकते हो, फास्ट बूट की ज़रूरत है नहीं अब। तो ये जो इसकी फाइल है वो 3.3 GB की है, इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो रिकवरी से। अब अगर हम बात करें इसके नए फीचर्स की, सो आई डोंट थिंक इसमें कोई नया फीचर आया है एज सच, बट व्हाट आई एम सीइंग इज बेसिकली कि ये काफ़ी स्टेबल हो गया है। एज यू कैन सी दिस लेवल ऑफ स्मूथनेस हैज इंक्रीज। बट यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि जो मैंने यहाँ पे पोको का जो लॉन्चर मैंने इंस्टॉल करा था वो बेसिकली मैंने अपग्रेड करके APK फाइल से मैंने इसको पोको को 4.36 का कर दिया था। जो इसमें इंस्टॉल आता है वो ऑलरेडी 2. समथिंग में आता है, पर 2 में क्या है कि काफ़ी जिटर और लैग मिल जाता है, तो मैंने 4 वाला इसमें इंस्टॉल करा था। और 4 के बाद आई थिंक कि जो जितने भी एनिमेशन है ये सब सही हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको हटाकर गूगल डिस्कवर को, ये काफ़ी लैग करता है अभी भी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक कि सारे एनिमेशन सही हो गए, बिल्कुल कोई इसमें ऐसा कुछ है नहीं एज इन। अब अगर हम बात करें सेटिंग्स में कोई फीचर्स आया है नहीं आया है, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें जो अपडेटर है ये इसमें सारे ये अपडेट्स वाले आ गए हैं, बट इसमें कोई भी ढंग का अपडेट है नहीं। एज इन सिक्योरिटी अपडेट आपको अप्रैल का मिल जाता है, जैसे कि आप हमने देखा था। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें सब कुछ सेम ही है, राइज टू वेक, डबल टैप टू वेक, और ये सब लॉक स्क्रीन फॉर्मेट। लॉक स्क्रीन फॉर्मेट भी आप ये है, लॉन्च कैमरा, पॉकेट मोड, ये सब सेम है। डिस्प्ले की अगर बात करें लाइट मोड, डार्क मोड, और डार्क मोड में भी अगर हम ये करते हैं तो डार्क मोड आपको ये हो जाता है। और इसके अलावा आपको इसमें कहीं ऑप्शन कुछ मिलता नहीं है, ये आप कर सकते हो कि एडजस्ट वॉलपेपर एंड ऑल। अब अगर हम बात करें कलर स्कीम की, कलर स्कीम में आपको ये सब ऑप्शंस मिल जाते हैं। रिफ्रेश रेट में बात करें तो उसके आपको 120 और 60 हर्ट्ज़ में कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज़ में काफ़ी मुझे लैग देखने को मिलता है, क्योंकि मुझे 90 हर्ट्ज़ की आदत पड़ी हुई है, तो 120 हर्ट्ज़ में इसमें कर रखा है। और मैं अगर बात करूं बैटरीज में कितना इफेक्ट करती है तो मैं आपको बता देता हूं अभी थोड़ी देर में। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें साउंड से, नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में, नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में भी आपको ये आपको दो वर्जन मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको ये वाला जो है ये अभी आपको MIUI 30 मतलब जो नया वाला आया है वो अभी आपको नहीं मिलता है एनिमेशन, जो कि यहाँ पे ब्राइटनेस और ये जो ब्राइटनेस और वॉल्यूम का यहाँ पे सीधे सीधे आता है ऐसे करके, और ये सब चेंज हो जाते हैं। बट एनीवे मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट वर्जन में आ जाएगा। बैटरी परसेंटेज की बात करें तो ये आपको सब कुछ सेम ही मिल जाता है यहाँ पे, कनेक्शन स्पीड एंड ये शोर कैरियर वाला। बात करें हम वॉलपेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोई स्टैटिक वॉलपेपर्स ही मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, या जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा था, या आपको सारे स्टैटिक वॉलपेपर मिलते हैं। लाइव वॉलपेपर कोई मिलता नहीं है एज इन बाय डिफॉल्ट। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हो, और अगर आपको इंस्टॉल करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कलर ओएस का आता है वॉलपेपर, आप उसको सर्च कर सकते हो कलर ओएस लाइव वॉलपेपर, उसके सारे अच्छे ही वॉलपेपर हैं और ज़्यादा बैटरी भी कंज्यूम करता नहीं है उसमें। अगर हम बात करें इसमें ऐप्स हो गया या फिर बैटरी हो गया, बैटरी में आपको ये तीन मोड मिल जाते हैं, सेव बैटरी, बैलेंस एंड परफॉर्मेंस मोड। ये मैंने बैलेंस पे लगा के रखा और आप देख पा रहे हो कि बैटरी अच्छी खासी है, क्योंकि मैंने उसको अभी बिल्कुल यूज़ ही कराया और काफ़ी अच्छे से यूज़ कराया, ऐसा नहीं है, और काफ़ी ठीक चल रहा है, मतलब बैटरी एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी MIUI वैसा वाला बैटरी का सीन है। अगर हम बात करें इसके डिजिटल वेलबींग, ये सब वैसे ही काम कर रहे हैं। स्पेशल फीचर्स में साइड बार आपको मिल जाता है, साइड बार में मिल जाता है आपको, जैसे कि आप यहाँ से ऐसे, और आपको ये सारे ऐप आप साइड लोड कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये करा तो ये आपको ऐसे मिल जाएगा। एनीवे ये मुझे कोई ज़्यादा फीचर लगता नहीं, अगर मुझे खोलना होगा तो मैं वैसे ही खोल लूँगा। फ्लोटिंग विंडोज़ आपको ये हो गया सब, ये सेकंड स्पेस आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसमें कोई भी फीचर नहीं है एक्स्ट्रा, जो कि हम लोग पहले यहाँ पे और भी फीचर्स थे तो वो आपको नहीं मिलते हैं अभी। अब हम बात करें कि इसकी बैटरी हो गया यहाँ पे परफॉर्मेंस होगी कैसी है, तो मैंने ये टेस्ट करे हुए थे पहले से, मैं आपको इस पर वो दिखा देता हूँ कि बात करें सबसे पहले बैटरी की, तो बैटरी जो इसका कंजम्पशन है वो बेसिकली 220 mAh मतलब कि रेगुलर है, जो कि मतलब बहुत ही नॉर्मल है आई थिंक कि इतना ही आइडल होना चाहिए। और बैटरी का जो परसेंटेज है वो 39 डिग्री सेल्सियस है, जो कि अच्छा है काफ़ी।
अब अगर हम बात करें चार्जिंग की, तो जो चार्जिंग मुझे मिल रही थी वो अराउंड 2000 mAh की मिल रही थी, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो भी अराउंड इंक्रीज होकर 25 तक पहुँच सकती है, क्योंकि ये अभी बैटरी 38 पे है। अगर आपका फ़ोन अगर 30 के समथिंग है तो इट गिव्स अराउंड लाइक 4000 to 5000 mAh, विच इज़ लाइक नाइस। ओके, अगर हम बात करें, अब आते हैं हम CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में बेसिकली जो उसने कचड़ा करा है, आई थिंक कि बहुत ही ज़्यादा कचड़ा हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हो कि बहुत ही वेरी कर रहा है 1.0, और मैंने बिल्कुल फ़ोन अभी छुआ भी नहीं था। ये 1.80 पे पता नहीं अंडरक्लॉक कैसे हो गया ये, और ये 2.9 से अंडरक्लॉक हो गया था। ये तो सारे कोर्स जितने भी थे, तीन कोर्स जो कि होने चाहिए 2.4 पे, वो बहुत ही मतलब 1.80 पे आ गए थे। आई डोंट नो व्हाई नॉट। इसके अलावा ये तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था क्योंकि आप देख पा रहे हो क्या गंद फैलाई है इसने, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा पाँच मिनट पर हुआ तो मेरा हार्ट बीट भी हो जाएगा फ़ोन, इसलिए मैंने बंद कर दिया था वहाँ पे, नॉट टू टेक द रिस्क। अगर हम बात करें कैमरा की, कैमरा आई थिंक कि या सो दिस इज़ द मेन थिंग कि जहाँ पे कस्टम रोम जो होता है वो वहाँ पे स्टैंड नहीं कर पाता है, क्योंकि जो इसका 48 मेगापिक्सल कैमरा है वो ANX कह रहा हूँ मैं, MIUI पे ही काम करता है, और ये MIUI पे काफ़ी क्लियर फोटो दे देता है, मतलब काफ़ी अच्छी खासी जूम है। आई थिंक कि या इट रियली गिव्स अ गुड फोटो। जैसा आप देख पा रहे हो कि एक एक्सपेक्टेड होता है कि यार इतना मैंने आपको पैसे खर्च करें तो इतना तो होना ही चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूँ साइज़ की, तो आप ये साइज़ देख पा रहे हो कि 22 MB की फाइल बनती है 48 MP में, और काफ़ी अच्छा कैमरा, मतलब कैमरे में अगर मैं बात करूँ कैमरे में सब कुछ ही ठीक ठाक है, कोई ऐसा इशू है नहीं, है ना। एनीवे, अब हम बात करते हैं कि इसके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि अगर मैं सारे ऐप क्लोज कर देता हूँ एक बार, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये क्रोम हो गया, क्रोम में आप देख पा रहे हो कितना सेकंड लगता है, कि चूँकि नॉर्मल है। मैसेज हो गया, या फिर फ़ोन हो गया, यूट्यूब हो गया, और ये CPU थ्रॉटलिंग हो गया। अगर हम बात करें फ़ोन, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, विच इज़ लाइक क्वाइट ग्रेट। या तो जैसे आप देख पा रहे हो कि परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम ही है, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा धमाकेदार परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। बट अगर मैं बात करूँ कि ये आपके लिए है या नहीं है, अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हो तो आई थिंक कि आपके देख रहे हो तो आप, मुझे लगता है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, तभी आप यहाँ पे आए हो। और अगर क्यूरियोसिटी है तो वाई नॉट लाइक गो फॉर एनी अदर AOSP बेस्ड रोम, क्योंकि वहाँ पे आपको एनिमेशन की बात करूँ तो आपको स्मूथनेस भी मिल जाता है, वहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस में आपको 90 FPS भी मिल जाता है, और चार्जिंग हो गया, ये सब सेम ही है वहाँ पे भी। और बात करें हम कैमरा की, सिर्फ कैमरा अगर आपको यूज़ ही करना है कि मेरे को स्टॉक कैमरा ही चाहिए, तो वहाँ पे आप ANX कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पे ANX कैमरा हो गया, या फिर रूट करके, अगर आपको रूट करना भी नहीं है तो आप CR ड्रॉइड रोम होती है, तो वहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड ANX कैमरा मिल जाता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो CR ड्रॉइड रोम को, जो कि काफ़ी अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस देती है। सो आई थिंक कि अगर क्यूरियोसिटी है और आपको अगर टेस्ट करना है तो आप कस्टम रोम ट्राई करें। अगर आपको क्यूरियोसिटी नहीं है और आपको ज़्यादा गेम खेलना है वेलना नहीं है, और सिंपल लाइक फ़ोन कॉलिंग के लिए करना है, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए करना है, सो आई थिंक कि आप MIUI पे ही रह सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा इंस्टॉल करने की ज़रूरत है नहीं होगी कस्टम रोम, और इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ लेवल ऑफ स्मूथनेस होता है और गेमिंग, ये सिर्फ दो चीज़ें जो पैरामीटर्स हैं इसमें आपको सिर्फ चेंज देखने को मिलेगा, अदरवाइज सब कुछ सेम है, सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। रोम अगर देखो, फ़ोन ही है यार, फ़ोन को ऐसा कुछ बन तो जाएगा नहीं कस्टम रोम से। सो या अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हो। CR ड्रॉइड की अगर रिव्यू भी है तो वो CR ड्रॉइड का रिव्यू भी मेरे चैनल पे है, आप उसको देख सकते हो। तो या थैंक यू गाइज फॉर सीइंग दिस रिव्यू। कोई कमेंट है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। प्लीज़।